मायावती ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मायावती ने अग्निपथ स्कीम को लेकर किया ट्वीट। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन। मोदी सरकार की ओर से सेना भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान होने के बाद इस स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है, सेना में काफी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र ने सेना में 4 वर्ष अल्पावधि वाली अग्निवीर नई भर्ती योजना घोषित की है। उसको लुभावना और लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट और आक्रोशित है। वे सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि युवाओं का मानना है कि सेना और सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए ही सरकार जवानों की भर्ती की संख्या को कमी के साथ साथ मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है, जो घोर अनुचित तथा गरीब और ग्रामीण युवाओं व उनके परिवार के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी अग्निपथ स्कीम को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की सुरक्षा कोई अल्पकालिक या अनौपचारिक विषय नहीं है, यह अति गंभीर और दीर्घकालिक नीति की अपेक्षा करती है। सैन्य भर्ती को लेकर जो खानापूर्ति करने वाला लापरवाह रवैया अपनाया जा रहा है, वो देश और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए घातक साबित होगा। अग्निपथ से पथ पर अग्नि न हो। अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखते हुए युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए इस योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने रखकर सरकार को अपना पक्ष साफ करने की गुजारिश की है। न्यूज डेस्क, अमरोहा टीवी।